नावी हैंडसम नावी हो जा यार, आ गया मैं, ठीक है, मतलब जा रहा हूँ आज, और तैयार हो जा तू, तेरे लिए बता दूँ, तुझे शायद यकीन नहीं हो रहा हो, ये है मेरे टिकट वीज़ा एंड पासपोर्ट, ठीक है, शो मैं करता नहीं तेरे छुट्टियों की तरह, और शो कर चुका हूँ, नहीं करा मुश्किल नहीं, लेकिन अब मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, आज मैं आ गया हूँ, है तेरी गांड में अगर कूपा तो आ, समझा। और सारे भाइयों के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय राम जी की। और चलो फ़िलहाल मुझे यहाँ टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, अभी चेकिंग वगैरह करवानी है, तो चलो भाइयों मैं फिर अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, और नहीं है तो फिर मैं प्लेन से बनाऊँगा, फ्लाइट के अंदर से बनाऊँगा, नहीं तो फिर पहुँच के बनाऊँगा। अभी के लिए जल्दी जल्दी मैं इतनी सी वीडियो, जयराम जी की, आज आ रहा हूँ, ठीक है, और तेरी गांड में जितना कुब्बा हो ना, ताकत हो, जितनों को ला सके ले के आ। आई बात समझ में? तूने जो चैलेंज दिया था ना, अगर सच्चा हिंदू होगा, सच्चा हिंदुत्व का रक्षक होगा, तो मैं वो चैलेंज तेरा एक्सेप्ट किया और मैं आया हूँ। अब तेरी गांड में कुब्बा है तो तू आ, तेरी गांड में कितना कुब्बा ये देखना चाहता हूँ। पासपोर्ट चीज़ रखी, और मैं फ़िलहाल कोई को एयरपोर्ट में केरला, और जा रहा हूँ ओमान में मस्कट। बेटा आशा करता हूँ अगर थोड़ी सी भी इज्जत बाकी होगी, थोड़ा सा भी समझता होगा, 30 मार का हूँ मैं, क्योंकि बहुत भूंगी मार रहा है तू, लेकिन मैं भूंगी नहीं मारता, उग्र खाना ने जो नहीं किया वो हम करके दिखाते हैं। और कुछ बोल रहा था बट छोड़ो, जो कुछ भी है इतना लास्ट बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ओमान मस्कट, मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, देखते हैं तू है या हम है, ठीक है मेरे दोस्तों, इतना ही कहना चाहता हूँ। और सारे जितने भी यूट्यूबर हैं, अपने जितने भी भाई हैं, तो उनसे भी कह दूँ, मेरे चैनल से शायद इनके पास आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे, आप लोग ज़रूर आवाज़ पहुँचाओ, जितने भी भाई हैं हमारे, सुरेश भाई, यूट्यूबर विवेक, निषाद भाई, और भी जितने हैं, राजकमल, जो भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बोलना चाहूँगा सब ये काम करें, बनाएं और इस आवाज़ को इस तक पहुँचा दें, इंडिया में छा जाने चाहिए, इसको पता चल जाना चाहिए कि जितना बड़ा एक कांडू है, भूखी मार दे ना, उसको आज हम मुँह तोड़ जवाने। और हाँ, मेरे पास जितने भी हों, 2, 4, 6, 10, 15 सबको लेके आ, उसके लिए मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अकेला। फिलहाल तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, शायद तू चूतिया समझे या कुछ भी समझे, तो लेके कहीं से भी बैठ के बना रहे हैं, तो मैं तुझे थोड़ा कैमरा घुमा के बता देता हूँ, दिख रहा है, लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, और यहाँ से वहाँ तक पूरा, और शायद पूरा ना मान जाए यार, तो इतना काफ़ी है, बैठे हुए हैं सब, फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, और भाई राम राम, जय राम जी की, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। और जितने भी हमारे दोस्त हैं अगर देखते हैं तो ये वीडियो पहुंचा देना, शेयर एंड लाइक, सारे भाइयों के लिए। अब शायद यहाँ से दो या तीन घंटे के अंदर की बात है, 2 या 3 घंटे के अंदर हम मस्कट होंगे, ठीक है दोस्तों। सूरज की किरणों को बांधे बादल की औकात नहीं, बादल की औकात नहीं, हुक्म न माने रजपूती, ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसी कोई सरकार नहीं। सूरज की किरणों को बांधे बादल की औकात नहीं, हुक्म न माने रजपूती, ऐसी कोई सरकार नहीं। कौफों में बारूद भरो फिर दौर वो आया है, जय हो मामसान, हम शान, हम शान है राजस्थान की, हम आम, हम आन, हम आन है हिंदुस्तान की, जय जय मां भवानी।
माँ भवानी, जय हो माँ भवानी की ज्वाला में जलकर तपती मेरी जवानी है, तपती मेरी जवानी है, तलवारों की नोक पर लिखी मेरी कहानी है, लिखी मेरी कहानी है, धरती की ज्वाला में जलकर तपती मेरी जवानी है, तलवारों की नोक पर लिखी मेरी कहानी।